जय हिंद दोस्त। आज हम बात करना चाहेंगे अर्धसैनिक फोर्स है, चाहे रेलवे है, चाहे बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है, चाहे अन्य पुलिस है, उनके बारे में। दोस्त क्या आप जानते हैं आज सांसदों का, मंत्रियों का पेंशन योजनाएं है, अन्य योजनाएं क्यों है भाई, क्यों है, क्या इनका रूल पहले था, इन्होंने अपने आप से रूल डेवलप कर लिया, संसद में खड़ा होकर ये अपने आप से पेमेंट लगा लेते हैं भाई। जब जनता इनको जिता के वहां भेजती है तो जनता इनके तनख्वाह का निर्धारण करे और जनता इसको सिद्ध करे कि हाँ इनको तनख्वाह कितनी मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मी जो है, आज अगर बीएसएफ को देख लीजिए तो बॉर्डर पे उनकी जाने जा रही है, सीआरपी को देख लीजिए तो गृह के अंदर यानी भारत के अंदर उनकी जाने जा रही है, आईटीबीपी का बॉर्डर जो चाइना क्षेत्र है उधर वो लोग लड़ाई करके उनकी जाने जा रही है, पुलिस विभाग अपने गृह को संभालते हुए सुरक्षा कर रही है उसकी जाने जा रही है। तो क्या इनकी पेंशन योजनाएं क्यों बंद की गई, 2004 के बाद क्यों बंद की गई, इसका मुख्य कारण क्या है? ये फोर्स है और फोर्स को अधिकार है, इसकी वोटिंग होनी चाहिए पूरे देश में कि क्या इन लोगों को पेंशन योजना होनी चाहिए कि नहीं, और दूसरी चीज मंत्री और सांसद को पेंशन योजना होनी चाहिए कि नहीं, इसका कॉन्फर्मेशन करना चाहिए, पूरे देश में वोटिंग होनी चाहिए, पूरे देश को एकजुट होना चाहिए कि नहीं पेंशन योजना जो होगा अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों को ही होना चाहिए, सांसदों का पेंशन योजना तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। इनकी एक ये शांति सेवा है, आप सेवा करने की इच्छा में नहीं है तो आप छोड़ दीजिए सांसद ही, हमें आपको सांसद नहीं बनाना है, हमें आपको मंत्री नहीं बनाना है। हाँ इसका एक निर्धारण होना चाहिए कि जो भी सरकारी नौकरी किया होगा, चाहे वो एक वर्ष किया हो या दो वर्ष किया हो, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप सांसद ही छोड़ दो, आप मंत्री छोड़ दो, हजारों में इस देश में लोग हैं जो कि सेवा करने के लिए इस देश के लिए तैयार है, निःशुल्क सेवा करने के लिए तैयार है, नहीं तो आप वोटिंग करा के देख लो कि कितने लोग आपको आपके देश में ही निकल जाएंगे कि जो निःशुल्क सेवा करने के लिए इस देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग किसी भी प्रकार के अधिकारी नहीं है पेंशन लेने के लिए, और आपकी तत्काल प्रभाव से जनता के माध्यम से पेंशन योजना को बंद करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता सपोर्ट करेगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेगी ताकि आप लोग को रोका जाए। और जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, ये वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी। मैं जानता हूं ये लोग रोक लगाएंगे इस वीडियो पे, अगर आप लोग अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिक तेजी से बढ़ती चली जाएगी और शेयर भी करेंगे। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।